কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কাজ না করে রাস্তা ঘাটের কাজের নাম করে 26 লক্ষ টাকা বিল পাস করার অভিযোগ তৃণমূল পরিচালিত কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। পূর্ব নির্ধারিত ঘোষিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচি কংগ্রেসের। সোমবার বেলা 1টা নাগাদ কালচিনি কংগ্রেস কার্যালয় থেকে প্রতিবাদ র্যালি বের করে কালচিনি বিডিও কার্যালয়ে ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। এদিন বিডিও কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি বিকেল 3:30 পর্যন্ত চলে। এই আন্দোলন কর্মসূচিতে কংগ্রেসের জেলা, ব্লক ও অঞ্চল স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের অভিযোগ, কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত এলাকায় কাজ না করে রাস্তাঘাটের কাজের নামে 26 লক্ষ টাকা বিল পাস করেছে তৃণমূল পরিচালিত কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েত। আরও অভিযোগ করে কি বললেন কংগ্রেস ব্লক স্তর নেতা তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য পাশাং লামা, শুনুন। मैं आगे बोल रहा हूँ, हमारा ना किसी से गिला ना शिकवा है। हम लोग भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग बोलना चाह रहे हैं और हम लोग सही सदन तदन चाह रहे हैं। आप लोगों को मुझे तो लग रहा है कि मैं पश्चिम बंगाल में नहीं रहा, लग रहा कि जैसे कि कोई दूसरा मतलब तालिबान में रहा, उसे लग रहा। अगर मेरा इस एरिया में अगर गणतांत्रिक अगर अधिकार हम लोग का मौलिक अधिकार है तो कम से कम मैं निर्वाचित हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे जनता से चुना हुआ मैं एक कांग्रेस का निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे एरिया में 26 लाख का घोटाला हुआ, मैं उसको लेके 11 तारीख को थाना में दिया, डीएम ऑफिस में दिया, थाना में दिया, पीडीओ को कॉपी दिया, प्रतिलिपि दिया। उसके बाद फिर हम लोग आए, उस टाइम में भी उन्होंने बोला टाइम मांगा 7 दिन का। उसके बाद फिर हम लोग लिखित दिए 5 तारीख डेट, तो उन लोग टाइम को करके वो खुद ने 16 तारीख का डेट दिया, लिखा हुआ हमारे पास में रिटर्न है उनका, प्रशांत वर्मन का लिखा हुआ। आज वो भागे हैं, तो मैं यही कहूँगा मिस्टर नकली प्रशांत वर्मन मत भागो, फेस कीजिए। अगर आप नहीं सोचोगे तो हम लोग अभी कानूनी प्रक्रिया, हम लोग सम्मान दे रहे हैं। और मैं यही कहूँगा, राज्य सरकार कभी भी नहीं कहेगा कि भ्रष्टाचार करो। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी कभी नहीं बोला तुम चोरी करो, लेकिन ये ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को बेच के उसका नाम को बेच के इन लोग खा रहा है, कौन घोटाला कर रहा है। पासंग जी, आप लोग के द्वारा ये भी कहा गया कि आप लोग के द्वारा आरटीआई भी किया गया, अभी तक आरटीआई का भी जवाब नहीं दिया। आरटीआई का जवाब दिया नहीं दिया, प्लस ये तो अभी हम लोग से मिल ही नहीं रहा, भाग रहा। और मैं यही कहूँगा, हम लोग कांग्रेस है, हम लोग कांग्रेसी हैं, और मैं यही कहूँगा हम लोग हमेशा हम लोग झगड़ना काम नहीं, हम लोग का लड़ते हैं, हम अधिकार के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ रहे हैं। और आगामी दिन हम लोग बोले तो हम लोग दरकार पड़ने से हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यही नहीं अभी हम लोग का प्रशांत वर्मन का भी इंक्वायरी चाहिए, जो प्रश्न ने बड़ा नकली वीडियो इसके भी हमने इंक्वायरी चाहिए। किचन गैलरी, एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर मॉड्यूलर किचन, एक्वेरियम, फिश एंड पेट्स, लास्ट कॉर्नर एमजी रोड, जयगांव। पशु चारे की लागत बचाने और पौष्टिक पशु आहार प्राप्त करना चाहते हैं तो विजिट करें मायरा एक्रो फार्म, कॉल करें 9476292058। यहाँ हर तरीके की मुर्गी एवं पशुओं की पौष्टिक आहार आपको मिलेगा आपकी बचत के अनुसार। इसके अलावा पशुओं की किसी भी प्रकार के रोग के विषय में सलाह मिलेंगे। ठिकाना जयगांव, इलियास नगर, सिंडिकेट रोड।